पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव अभियान का आगाज तेजस्वी यादव ने कर दिया है। वो निकले हैं अपनी यात्रा पर, बिहार यात्रा पर, लेकिन तेजस्वी यादव ने ही नहीं, चिराग पासवान ने भी अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। चिराग पासवान ने बेगूसराय से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बेगूसराय के मटिहानी में जो सभा की है, चिराग पासवान की जो सभा हुई है, उसको माना जा रहा है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चुनावी अभियान का आगाज है विधानसभा चुनाव को लेकर। और याद रखिए, मटिहानी वो सीट थी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में एकमात्र सीट मटिहानी चिराग पासवान जीत पाए थे। राजकुमार सिंह वहां से विधायक बने थे, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो मटिहानी से चिराग पासवान ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है और 2025 में फिर एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन एकजुट है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 2029 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बेगूसराय के अयोध्या कर्पूरी चरण उच्च विद्यालय धबौली के मैदान में चिराग ने कहा कि 2029 में भी केंद्र में सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी की, और सरकार बनाने का जो सपना विपक्ष देख रहे हैं वो सपना बनकर रह जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार जनता के साथ जुड़ी है, पिछले 3 साल से लगातार हम लोगों के बीच रह रहे हैं। बेगूसराय से जनसंपर्क अभियान की उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वे बिहार के अलग अलग विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता के बीच रहेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे, उन समस्याओं का समाधान भी निकालेंगे, जिसकी शुरुआत आज हमने बेगूसराय के मटिहानी से की है। मटिहानी विधानसभा वो इलाका है जहां विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हम लोगों ने जीत हासिल की, इसलिए बेगूसराय के मटिहानी से जनसंपर्क की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में बिहार के अलग अलग विधानसभा में जाएंगे। चुनाव से पहले हम सभी 243 विधानसभा को हम कवर करेंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विपक्ष के इस बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के लोग हताश और परेशान हैं। विपक्ष के लोग जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि एनडीए गठबंधन एकजुट है और मजबूती से ना सिर्फ ये 5 साल, ना सिर्फ अगले विधानसभा बल्कि 2029 में भी केंद्र में सरकार बनाएंगे और एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जो सबसे बड़ी बात कही है चिराग पासवान ने, एक बड़ा संकेत है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, मटिहानी से हमने शुरुआत की है, और चूंकि विपरीत परिस्थितियों में मटिहानी सीट हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, तो क्या यह माना जाए कि चिराग पासवान उन सीटों को चिन्हित कर रहे हैं जहां उनको चुनाव लड़ना है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जहां विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, और कितनी सीटों पर चिराग पासवान तैयारी करेंगे? हालांकि वो कह रहे हैं 243 को हम कवर करेंगे, तो फिर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि फिर एक बार कहीं एकला चलो का प्लान तो नहीं है? ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार के लिए फिर खतरे की घंटी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।